हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको पीनट चाट सिखा रहे हैं जो बॉइल्ड पीनट से बनेगी और बहुत क्विक बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक की तरह से आप उसको ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बॉइल्ड पीनट ले ली हैं, आप देख सकते हैं इनको बॉइल कर लिया है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बॉइल कर रहे हैं तो आप 3 विसल लाने तक इसको बॉइल कीजिए और फिर वाटर ड्रेन कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। अगर आप सॉस पैन में बॉईल कर रहे हैं तो आप चेक करते रहिए कि ये सॉफ्ट होने तक हमें इसे बॉईल करना है। तो ये हमने 150 ग्राम के करीब पीनट ली हैं जिनको बॉईल कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट डालने के बाद। और ये मैंने 1 बिग अनियन को फाइनली चॉप कर दिया है। आप देखिए कितना फाइनली चॉप है, वो देखने में भी सुंदर लगता है। ये 1 बिग टोमेटो को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून लेमन जूस लिया है। चाट मसाला है जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, जो रोस्टेड जीरा पाउडर आता है, जब आप दही में डाल के, दही बड़े पे भी डाल के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है चाट में। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पीनट्स में सॉल्ट डाला है बॉइल करते हुए। 1 ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप है। इसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि बहुत तीखा मुझे नहीं अच्छा लगता है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है और ये मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है। और रेड चिली पाउडर भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। ये मैंने 1 कुकुम्बर को फाइनली चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं इस टाइप से। और 3 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया है जिसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हमको हमें इसमें सबको मिक्स करना है 1 बाय 1। तो हम ये मिक्सिंग बॉल लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम टोमेटो डालेंगे, फिर अनियन डालेंगे, कुकुम्बर डालेंगे, ये बहुत टेस्टी लगने वाला है और बहुत जल्दी से बन जाती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ग्रीन चिली और ये सारे मसाले मैं डाल रही हूं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डालेंगे और ये खूब सारा हम धनिया डालेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल से निकालकर डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना यम्मी बनी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब हम इसको थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश करते हैं और ये देखिए फटाफट बनने वाली हमारी चाट बनकर तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।